यूपीएससी के लिए कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टेस्ट सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए आई वाज वेरी क्लियर कि जो सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो मेरे लिए कम्प्लीटली नए थे। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, मुझे अगर इन चीज़ों को समझना है शॉर्ट टाइम में, आई विल नीड द हेल्प, राइट। तो उसी हिसाब से अगर आप चीज़ों को अपने आप से समझ लेते हैं, आप उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, आई थिंक देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोचिंग, राइट। और कोचिंग के लिए, कोचिंग के दो एडवांटेज है कि वो आपको एक रूटीन शेड्यूल देते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं, एक एटमॉस्फेयर देते हैं। अगर वही चीज़ आप घर पे मेंटेन कर पा रहे हैं, देन देर इज़ नो नीड फॉर कोचिंग, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि प्रिपरेशन के दरमियान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक सिंपल फंडा है कि आप जहाँ पे भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू हैव टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट। तो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाते हैं कि इसमें से करंट अफेयर्स की नोट्स बना ली। अब जब कोचिंग वाले पूरे महीने का न्यूज़पेपर का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एक मटेरियल में दे रहे हैं, नॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली, PRS, PIB हर जगह से उठा के वो लोग आपको दे रहे हैं, तो फिर आपको वही चीज़ खुद से करने का क्या मतलब है। बेटर है कि आप उतना टाइम उस मंथली मैगजीन को रिवाइज करने में डालें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्लैरिटी भी डेवलप होगी। तो इस तरह से आपको अपना जो अप्रोच है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सो सी, अगर UPSC में 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं तो 1000 लोगों की 1000 स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, और वो प्रीवियस ईयर के सभी टॉपर से अलग होगी। व्हाट डज इट मीन कि हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस अलग है फंडामेंटली दूसरों से। सो हमारी जो स्ट्रेटजी भी होगी वो दूसरों से अलग होनी है। कभी कभी आपने कभी ऐसा किया है कि आप हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर को ये बोला कि सर आपने पहले वाले पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है मुझे भी सेम मेडिसिन चाहिए। वी डोंट से लाइक दैट, राइट, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, हमारी बीमारी अलग है। उसी तरह UPSC में भी किसी और की स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है। अगर उसको दो बार पढ़ने से चीज़ें समझ में आ रही है और मुझे चार बार पढ़ने से समझ में आ रही है, आई हैव टू रीड फॉर 4 times, राइट। सो दैट इज़ वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी खुद की होगी अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन वीकनेसेस। सो ये चीज़ है, कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना है। आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है उसको कवर कीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको और अच्छे से कवर कीजिए। जब तक आप समझ ना लें, जब तक आप उसको लिंक ना कर पाए, तब तक उस पर सोचते रहिए। दिस इज़ द अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर द UPSC, राइट। सो दैट इज़ वेयर बी वेरी मच केयरफुल कि किसी और के नक्शे कदम पे नहीं चलना है, हमें खुद ही अपना रास्ता डिज़ाइन करना है। अगर आप मेरा बुक लिस्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रीवियसली किसी टॉपर से ऐसा बुक लिस्ट रिफर नहीं किया, या मेरे साथ किसी के भी अगर बुक लिस्ट देखोगे तो वो सबके अलग अलग होंगे। वॉट डज इट मीन कि UPSC बुक लिस्ट पे नहीं चलता, वो अंडरस्टैंडिंग पे चलता है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं कितना अच्छा उसको समझ रहे हैं। और एक ही चीज़, जब बुक लिस्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ सिलेबस ऑफ UPSC। जिस बुक में से आपके प्रीलिम्स और मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वही आपके लिए स्टैंडर्ड बुक है। दिस इज़ 1-line formula। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, जब भी रात को सोने जाओ अपने आप से पूछो कि आज मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। जब वो वेस्ट होता हुआ टाइम कम होता जाएगा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर द प्रिपरेशन। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए या 15 घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ, आप जितने घंटे पढ़ रहे हो, गिव योर मैक्सिमम इनपुट, यू विल गेट द ऑप्टिमम आउटपुट, राइट। सो यही चीज़ आपको ध्यान में रख के जाना है कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू मस्ट गेट समथिंग आउट ऑफ इट। अब प्रिपरेशन प्रीलिम्स की करें या मेंस की करें या इंटरव्यू की करें, सी प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करता है। आपकी जो सर्विस अलॉट होगी, आपके जो कैडर अलॉट होगा, वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो आपको भागना है मेंस और इंटरव्यू के पीछे। जब आप मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, आप प्रीलिम्स का 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको बस चाहिए प्रैक्टिस। क्या करेंगे आप, जब आपकी प्रीलिम्स आएगी उसके 2-3 महीने पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर स्टार्ट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आपके प्रॉब्लम हो रहा है। क्लैरिटी की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर आप जल्दबाजी कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव हो रहे हैं, या आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, या काफ़ी सारे क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से है जो आपने पढ़े नहीं है, इनको एनालाइज कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट में इसको कम करने की ट्राई कीजिए। सी, टेस्ट सीरीज इज़ नॉट योर इवेल्युएशन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। तो जो गलती हम प्रीलिम्स में जाके करने वाले हैं, इट्स बेटर कि हम टेस्ट सीरीज में ही कर ले और उसमें से सीख ले, राइट। सो प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम, उसमें आपको 120 का बॉर्डर क्रॉस करना है।
किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन उसमें आप 150 भी लाएंगे 180 भी लाएंगे, अगेन आप सेम लाइन पे आके खड़े रहेंगे जब आप मेंस देंगे, राइट? सो बेटर है कि आप प्रीलिम्स को सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पे लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटजी डिजाइन कीजिए जिससे आपको प्रीलिम्स में हेल्प रहेगी। बात करते हैं सीसेट की, तो सीसेट में काफ़ी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या मैथ्स बैकग्राउंड वाले उनके लिए कोई इशू नहीं है। आपको अगर टेस्ट करना है कि आप कितने पानी में है, तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का कोई एक पेपर उठा लीजिए, दो घंटे बैठ जाइए उसको सॉल्व कीजिए। इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 90 और 85 यू आर गुड टू अपियर फॉर सीसेट। अगर उससे कम स्कोर हो रहा है, डू वन थिंग, जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे सीसेट से उठाइए, एवरी संडे 2 आवर्स एक टॉपिक उठाइए, उसको यूट्यूब पे देखिए, उसके ट्रिक्स देखिए, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एंड देन ट्राई टू फॉलो देन ट्राई टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स एंड देन पुट इट असाइड, नेक्स्ट संडे नेक्स्ट टॉपिक। इस हिसाब से जब आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी तब तक तो आपका सीसेट भी हो चुका होगा, और एवरी संडे 2 आवर्स इज नॉट अ बिग डील, राइट? तो इस तरह से आप सीसेट करेंगे। नाउ कमिंग टू मेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? सी, कुछ लोग मई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर अगस्त सितंबर से राइटिंग प्रैक्टिस की सोचते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, जब आप यूपीएससी के आंसर्स लिखते हैं, यू नीड एटलीस्ट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। 2 महीने में 3 महीने में आप नहीं कर पाते, तो आपकी जो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस है वो कब स्टार्ट होगी? जब आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए, जब आप चीज़ों को समझने लगे। सो मेरे लिए तो ऑप्टिमम टाइम है आफ्टर योर प्रीलिम्स, यू गेट इनफ टाइम टू राइट द आंसर्स। अब राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करें, तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। सी, 3 चीज़ें हैं, एक स्पीड, एक हैंड राइटिंग, एक कंटेंट। आपको समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेस कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए स्पीड और हैंड राइटिंग का इश्यू नहीं था, सो आई ओनली फोकस्ड ऑन कंटेंट। सो मैंने हार्डली 4 पेपर लिखे थे बिफोर माई मेंस, और इस मेंस के पहले तो एक भी नहीं लिखा था, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम है, यू मस्ट राइट एटलीस्ट लाइक इतने पेपर्स जहाँ पे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। तो अगर किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, दैट डजंट मीन कि मुझे भी 50 पेपर लिखने पड़ेंगे। आई टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। हैंड राइटिंग मैटर करती है या नहीं करती है? यस, अकॉर्डिंग टू मी इट डज मैटर। जितना आप एग्जामिनर को कन्वीनियंट चीज़ें देंगे, उतना ही उसका माइंडसेट आपके हिसाब से चलेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी हैंड राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव दैट। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में जब आप आंसर लिख रहे हैं, टाइम पे फोकस मत कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। ग्रेजुअली फिर जब आपके लगे कि आपके हैंड राइटिंग अच्छे होने लगे हैं, देन फोकस ऑन द स्पीड। सी, एवरीथिंग विल टेक अ टाइम, तो आपको उस हिसाब से ही चलना है। आपको लगता है कि आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है, यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो अगर हैंड राइटिंग इशू है, तो आई विल आस्क यू कि आप प्रीलिम्स से पहले ही लिखना स्टार्ट कीजिए, जिससे होके आपकी जो हैबिट है वो चेंज हो पाए। तो आंसर राइटिंग के बस इतना ही है। सेकेंड थिंग, कि जो आंसर आप लिखते हैं उसको आप इवेल्यूएट कैसे करवाएंगे, स्पेसिफिकली जो लोग वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सी, बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आपके साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ही आप इवेल्यूएशन लीजिए। वो लोग क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स देंगे कि आपने ये मिस किया, आपने ये वो मिस किया। अब आपको एनालाइज करना है कि इसमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। इट्स नॉट दैट कि हर टाइम आपके जो एस्पिरेंट्स, आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो सही होंगे। नो, यू हैव टू डिसाइड कि ये पॉइंट्स जो आपने मिस किया वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। सेकेंड थिंग, अगर आप मॉडल आंसर से उसको कंपेयर कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज वाले देते हैं, बिलीव मी, अगर आपका आंसर 30-40% भी मैच हो रहा है, देन यू आर गुड टू गो। बिकॉज वो लोग 20-25 सोर्सेज मिला के एक आंसर बनाते हैं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम उतनी सारी चीज़ें याद रख पाए। तो अगर 30-40% भी आपका आंसर मैच हो रहा है, यू हैव रिटन गुड आंसर, बिलीव मी, राइट? और ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें इंप्रूव होगी। ऐसे की राइटिंग कब से स्टार्ट करें? अगेन, प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास 4 महीने। हर एक संडे अगर आप एक ऐसे लिखेंगे, या हर सैटरडे संडे 2 ऐसे लिखेंगे, फिर भी यू विल हैव इनफ प्रैक्टिस। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपर्स के पेपर्स अवेलेबल हैं कोचिंग क्लासेस के, उसको देखिए, उसको समझिए, फ्लो कैसे मेंटेन किया है, कंटेंट कैसे लिया है, कितने डायमेंशंस कवर किए, और फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऐसे जो आपका होगा, आई एश्योर यू कि बहुत ही आपको लगेगा कि ये क्या लिखा है मैंने, लेकिन वही शुरुआत है। ग्रेजुअली फिर यू विल इम्प्रूव ऑन दैट। सो शुरुआत करनी पड़ेगी, यू हैव टू राइट एन ऐसे। आपको 2-3 घंटे बैठ के 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। आप उसको इवेल्यूएट करवाइए, अपने फ्रेंड से इनपुट लीजिए, एंड देन रीड द टॉपर्स ऐसे, रीड समवन एल्स ऐसे ऑन द सेम टॉपिक,
एंड देखिए कि उसने क्या अप्रोच लिया था। तो ये एनालिसिस करते करते फिर आपका जो एसे का कंटेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा, राइट। रिगार्डिंग जेएस, जो बुक लिस्ट नीचे कमेंट्स में डालूंगा वही फॉलो किया है मैंने। अगर मेंस की आंसर राइटिंग की बात करूँ तो दो तीन चीज़ें जो मैंने खास की थी वो ये है कि कनेक्ट, जो भी चीज़ें पूछी गई है उसको आप जितने डायमेंशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे उतना आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सेकंड थिंग, इट्स नेवर अबाउट वर्ड लिमिट। आपको कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि मुझे 250 वर्ड्स में लिखना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन टारगेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप जितना अच्छा सेटिस्फाई कर पाओगे। अगर 250 का आंसर है उसको आप 230 में भी ख़त्म कर रहे हो, दैट्स नॉट द इश्यू। बट येस, पेपर फिनिश करना है टाइम से, राइट। सो उस हिसाब से आपको चलना है कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उस हिसाब से चलिए। कभी कभी कॉर्नर क्वेश्चन का डाउट आ जाता है कि अगर कुछ ऐसा पूछा गया जो मुझे नहीं आता है, कॉर्नर क्वेश्चन आ गया, बिलीव मी, अगर आपको नहीं आता है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं आता होगा, रिलेटिवली यू आर सेफ। तो जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसका टेंशन किए बिना, जो चीज़ें अपने हाथ में है, जिसको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, कोई इंपॉर्टेंट कमिटी आ गई है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आ गया है, इट इज़ श्योर टू बी आस्क, राइट। सो बेटर टू फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर श्योर टू बी आस्क इंस्टेड ऑफ कॉर्नर क्वेश्चन। तो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है तो बाकी लोगों को भी नहीं आता है, रिलेटिवली यू आर सेफ। सो जस्ट चिल एंड प्रिपेयर जो चीज़ें अभी मतलब करंट अफेयर्स में चल रही है और जो पूछाने की प्रॉबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो उस हिसाब से आप मेन्स की प्रिपरेशन करना।